ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज परमपिता परमात्मा के हम 6 मार्च के ईश्वरीय वरदान की चर्चा करेंगे, जहाँ पे परमपिता परमात्मा ने हमें सिखाया था कि कल्याण, जो कि कल्याण में भी अगर हम देख पाएं, इसका मतलब हम अचल अडोल आत्मा बन चुके हैं। और वो बनने की विधि क्या है, उसमें हमें क्या क्या रहस्य, क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं जिस कारण से हमारी ये मनुस्थिति होती है, वो हम इस वरदान में अब एक्सप्लोर करेंगे। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं हेडिंग में, अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भवा। कुछ हो जाता है हमारी लाइफ में, कोई सिचुएशन आ जाती है, फाइनेंशियल हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, जब आ जाती है तो उस समय हमारे मनोस्थिति कैसी रहती है। तो बाबा कहते हैं इसमें, ड्रामा में जो भी होता है, ये जो हम आत्माएं हैं, एक्टर्स हैं इस धरती पर आकर के, इस वर्ल्ड ड्रामा में, वो जो पिक्चर हॉल में होते, मूवी हॉल्स में होते, वो तो दो दो घंटे ढाई ढाई घंटे के ड्रामास होते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं ये तो कौन सा ड्रामा, ये तो वर्ल्ड ड्रामा है, इसमें तो करोड़ों अरबों खरबों आत्माएं एक्टिंग कर रही हैं। तो ये हो गया वर्ल्ड ड्रामा। तो ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। अभी कल्याणकारी युग कौन सा है, इसको कहते हैं संगम युग। सारी दुनिया को ये पता है कि कलयुग चल रहा है या आयरन एज चल रही है, लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जब तुम अपने आप को, अपने पूर्व जन्मों को और फ्यूचर में क्या होने वाला है, भविष्य में इस ड्रामा में वो मुझसे जान लेते हो और मेरा परिचय जब तुम्हें मिल जाता है, क्योंकि मुझे धरती पर आकर के तुम्हें मुक्ति का ज्ञान देना पड़ता है, जब तुम मुझसे वो सब कुछ पहचान लेते हो, जान लेते हो, तो तुम कलयुग से बाहर निकल आते हो, क्योंकि तुम्हारी जो जीवन नैया है वो फिर मेरे हाथ में आ जाती है। मतलब मैं खेवैया बन जाता हूँ तुम्हारी जीवन की नैया को, और तुम्हें मैं कलयुग से सतयुग, नरक से स्वर्ग की तरफ ले जाना शुरू करता हूँ, और तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताता हूँ, दो चीजें। तो फिर परमात्मा कहते हैं कि अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। तो ऐसे युग में, इस समय अकल्याण में भी क्या समाया हुआ है, कल्याण समाया हुआ है, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। किसमें निश्चय, परमात्मा में निश्चय, और ये जो बना बनाया ड्रामा है, जो एक्टिंग है, ये फिक्स्ड है सबकी, इसमें भी निश्चय। फिर बाबा कहते हैं परिस्थिति के समय ही निश्चय की स्थिति की परख होती है। जब कोई टेस्ट पेपर आता है, अचानक से टीचर क्लास में अगर टेस्ट पेपर बोलती है आज आपका सरप्राइज टेस्ट है, बस फटाफट उस समय क्या होता है, जो तैयार होते हैं बड़े खुश होते हैं, जो तैयार नहीं होते वो घबराते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब परिस्थिति आती है ना, तो उस समय दुनिया की परिस्थिति, लाइफ की परिस्थिति जब आती है उस समय हमें पता भी नहीं चलता है, और जब वो परिस्थिति आती है तब पता चलता है कि हमारी तैयारी की थी। उस समय अगर हाय हाय किया, अरे ये क्या हो गया, अरे ऐसे क्यों हो गया, अरे ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, अरे ऐसे तो होना नहीं चाहिए था, ये तो हमने सोचा भी नहीं था, अपने सपने में ऐसे हो जाएगा हमारे साथ, तो वो जब अगर अचल और डोल की जगह डोले मान रह गए, हिल डुल गए मन बुद्धि से, हाय हाय करना शुरू किया, परमात्मा कहते हैं फिर तो फेल हो गए। तो निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान ना हो, कि डाउट ही ना हो कि परमात्मा ने जो हमें ज्ञान बताया है उसके अनुसार सारी दुनिया में सब चीज़ें हो रही हैं। देखिए, ब्रह्मा कुमारी ने बहुत पहले, कई सालों पहले कहा था कि दुनिया में ऐसी ऐसी बीमारी आएंगी कि लोग हिल जाएंगे, और ये भी कहा गया परमात्मा ने ब्रह्मा कुमारी के द्वारा कि फ्यूचर में, भविष्य में आपके तीसरा महाविश्व युद्ध की बातें छिड़ेंगी, वो भी हो रही हैं आज। तो जिन्होंने माना वो आज हिलेंगे डुलेंगे नहीं, लेकिन जो बोलते थे अरे ये सब झूठ है, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे कहाँ होगा, वो हिल चुके होंगे आज जिन्होंने बात नहीं मानी थी। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। किस चीज में निश्चय, कि परमात्मा ने जो कहा है वो हूबहू होगा, क्योंकि वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उन्होंने जब बता दिया कि ये ड्रामा में ये डायरेक्शन और ये प्रोडक्शन हुई हुई है, इसके अनुसार ड्रामा में ये चीजें होंगी, तो फिर अगर आपने उसे निश्चय कर लिया तो आपको कभी भी हलचल नहीं आएगी। लेकिन वो क्या ड्रामा में है, क्या होना है, उसके 7 डे का कोर्स तो करना बहुत ज़रूरी है। साप्ताहिक कोर्स करने के बाद में आपको सारे राज पता चल जाएंगे क्या होने वाला है ड्रामा में आगे। फिर परमात्मा कहते हैं हलचल में आना माना कमज़ोर होना, मन से क्या हो जाना कमज़ोर,
छोटी छोटी बातों में हिल जाना, डिप्रेशन में चले जाना, ये भी क्या है, कमजोरी की बातें हैं। क्यों? ज्ञान की कमी है, ज्ञान में निश्चय की कमी है, और परमात्मा के दिए हुए ज्ञान, परमात्मा तो टीचर बन जाता है संगम युग में आकर के। कलयुग में हम तो उनको हे प्रभु, हे परमपिता, परमात्मा, हे वाहिगुरु ऐसे से बोलते हैं, लेकिन जब वो धरती पे आकर ज्ञान देते हैं तो वो टीचर बन जाते हैं, और जब रास्ता दिखाते हैं मुक्ति का तो सदगुरु बन जाते हैं हमारे लिए। वो बनते कैसे, वो राज भी साप्ताहिक कोर्स में आप सीखेंगे। तो आज के ईश्वरीय वरदान, मतलब आज तो नहीं लेकिन ये 6 मार्च के ईश्वरीय वरदान, अब नेक्स्ट रिकॉर्डिंग होगी आपकी 7 मार्च की, जो कि आपके पास बहुत जल्द पहुंचेगी। इसके साथ ओम शांति।